गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। अभी शाम के 5:30 बजे हुए हैं। शाम ही रहता है ना, शाम की 5:30 बोलते हैं ना, आई गेस शाम के 5:30 बजे हुए हैं। एंड आर्यन मेरे घर पे आया हुआ है। मी एंड आर्यन और मेरी और एक फ्रेंड जोशिता, वी हैड टू गो टू द कॉलेज क्योंकि आज हमको हमारे डिग्रीज कलेक्ट करने थे। इज इट अलाउड? नहीं, व्हाट्स फॉर वेरी लाउड फिल्मिंग इनसाइड? नो, इट्स नॉट वेरी लाउड। इज इट अलाउड? व्हाट इज अलाउड? इट इज अलाउड। तो गाइस हम लोग कॉलेज में आए हैं। दिस इज़ द लास्ट टाइम हमारी डिग्री सर्टिफिकेट सब कलेक्ट करने का आया। कैसा लग रहा है? फाइनली नो मोर कॉलेज। अच्छा लग रहा है बहुत, बिकॉज इज़ द लास्ट टाइम। इसलिए क्यों कलेक्ट कर रहा है सब कुछ पता नहीं, घंटा फर्क पड़ता है, मज़ा आ रहा है। सो वी फिनिश दैट। काफ़ी अच्छा लगा कि फाइनली कॉलेज खत्म हो चुका है। थोड़ा बुरा भी लगा, यू नो, नॉस्टैल्जिक फीलिंग जब हम लोग बाहर बैठ के चाय वाय पी रहे थे एंड लाइक यू नो दैट्स इट, लाइक दोस डेज आर नॉट कमिंग बैक। थोड़ा सा बुरा लगा, बट आर्यन को नहीं लगा बिल्कुल बुरा। आई डोंट थिंक ही गोना मिस इट ना, बिकॉज मेरे को वो जगह बहुत गंदे मेमोरीज आते हैं कि मैं ऐसे आधे नींद में जाता था, फर्स्ट लेक्चर चालू होता था। स्टिल ब्रो, कॉलेज डेज आर कॉलेज डेज, लाइक जो मस्ती की है बाहर, जो बंक करते थे, लाइक दैट विल नेवर कम बैक। बट आज मेरे, बिकॉज आर्यन इज हियर एंड वी हैव टू वर्क आउट, ये मैं खाया बिकॉज दिस आई यूज्ड टू ईट दैट टाइम। शट अप। सो वी बोथ हैव टू डू बैक डे टुडे। सो हम लोग अभी मेरे जिम पे जाने वाले हैं। एंड तेरा जिम है? मतलब मेरा जिम नहीं, जहाँ पे मैं वर्कआउट करता हूँ, तू वहाँ पे वर्कआउट नहीं करता है ना। काश मेरा, समझ गया। सो या, सी यू गाइस एट द जिम। या, आई एम कमिंग। सो अननोइंग, मतलब ये इतना लेट करता है ना, जस्ट टॉकिंग टू रैंडम पीपल। रैंडम पीपल? योर सिस्टर्स एंड योर शिता? या, योर चलती तो है नहीं। उड़ी मामा, उड़ी मामा। You want a GoPro vibe award? I do one thing. Point the camera towards you. Like your expression. Fuck off bro. नहीं मादर चोर, चूते मत कर ब्रो। Okay, and you hold it from here. दो दो फ्यूड होना, मेरी बाइक से बहुत फटती है, बहुत ज़्यादा। शिवराज शर्माता है कैमरा पे। मोमेंट वी एंटर द जिम, ऑलरेडी 4-5 पीपल केम टू मीट आर्यन। तो ऐसे बहुत सेलिब्रिटी वाला वाइब है। आर्यन हमारे साथ वर्कआउट कर रहा है। हो गया पूछ रही के? हाँ सेट हो गया पूछ रही के? बोला तो करना, दो तीन और रैप कर दिए। इस फाइन यार, 20 rupees फाइन। बाय ब्रो, ग्रेट वर्कआउट। अभी मेरे ब्लॉग के लिए बाय। हाँ बोल, चल बाय ब्रो। चल बाय ब्रो, ग्रेट वर्कआउट। ग्रेट वर्कआउट ब्रो, वी हैड अ ग्रेट टाइम, वी हैड अ ग्रेट टाइम टुगेदर। ऑनेस्टली मैन, लेट्स मी नो व्हेन यू आर अराउंड इन द एरिया। या लेट्स मीट नेक्स्ट वीक, लेट्स कैच अप। या डेफिनेटली, गिव मी दैट कैफे नियर योर हाउस। ओह फॉर श्योर, वी कुड मीट देयर फॉर लंच, दे हैव रियली गुड। ओह वी कुड हैव जस्ट कैच अप ऑन अ कप ऑफ कॉफी और समथिंग। फॉर श्योर, फॉर श्योर, आई एम नॉट अ कॉफी गाय, बट आई मीन आई कुड यूज सम टी। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं ओके गाइस। तो अगला दिन हो चुका है। यस्टरडे जिम के बाद आर्यन घर पे गया एंड द रीज़न ही वेंट होम क्योंकि उसका स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है अभी। मतलब सुबह 5 बजे वगैरह सोता है एंड मी आई यूजली स्लीप अराउंड 1 या 1:30 के आसपास मैं सो जाता हूँ। एंड जब भी आर्यन आता है फिर यू नो मैं भी यू नो इवन आई स्टे अवेक एंड देन या यू गेट द पॉइंट। ऑल्सो गाइज, लाइक 2 days back मैं एक व्लॉग बनाने वाला था पर मैंने बनाया नहीं, बट आई वेंट फॉर माई फर्स्ट एवर लॉन्ग राइड। मतलब अराउंड 300 kilometers मैंने बाइक चलाया। पुणे से एक डेस्टिनेशन है इंदापुर करके, हम लोगों ने वहाँ तक बाइक चलाई। अब मैंने वो GoPro पे तो रिकॉर्ड किया बट मैंने बाकी कुछ व्लॉग नहीं किया, बट आई स्टिल वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने 164 टच किया मेरे बाइक के ऊपर। इट वॉज एब्सोल्यूटली क्रेजी। बट यही है कुछ छोटे छोटे मूवमेंट्स फ्रॉम द राइड जो हम लोग गए थे। होपफुली यू गाइज एंजॉय इट। बाइक का साउंड काफ़ी अच्छा आ रहा है।
वॉचिंग दी ऑफिस. मैंने रिसेंटली वन एंड हाफ वीक पहले मैंने और तन्वी ने साथ में शुरू किया. एंड राइट नाउ तन्वी इज ऑन सीजन 2 एपिसोड 11 और समथिंग एंड आई एम ऑन सीजन 3 एपिसोड 20 और समथिंग लाइक दैट. आई एम लिटरली डबल अहेड ऑफ एवरीबडी. आर व्हाट अ शो. सो मच बेटर देन फ्रेंड्स. राइट तन्वी. राइट. शट अप. इट्स सो मच बेटर देन फ्रेंड्स. आई हैव स्टिल नॉट गॉट हुक्ड ऑन टू ऑफिस सो आई कांट सी. अगर आपने भी पूरा शो देखा हुआ है. यार a lot of people told me ki ending bahut emotional hai. Don't spoil it for me please. No, tell us what show do you like, Friends or Office, what is better? Tere paas Friends hai kya? Chodo. Tere paas Office hai kya? Munni ke paas dono hai, Friends or Office. Aur itna bada ghar bhi hai. Munni ke paas sab kuch hai. Munni. Coin flourishes. And because these days I'm getting extremely bored. दिवाली के बाद ज़्यादा क्लाइंट वर्क मैंने उठाया नहीं है, तो मैं कुछ ऐसे ही इंटरनेट के थ्रू जा रहा था और मैंने ये वीडियो देखा कि हाउ टू फ्लिप अ कॉइन इन योर हैंड्स. एंड मैं थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ. लेट मी जस्ट शो यू गाइज मैं कितना सीखा हूँ. आई एम नॉट एज गुड बट आई एम ट्राइंग. जैसे कि आप देख सकते हैं जस्ट लिटिल बिट मोर प्रैक्टिस दे रहा है कि मैं कल ही चालू किया सीखना मैंने. बट आई थिंक सून एनफ आई शुड बी एबल टू गेट इट. लेट मी इन द कमेंट्स इफ यू लाइक जो आप अभी देख पा रहे हो, जब मेरा प्रोग्रेस आपको कैसा लग रहा है. ये एंडिंग में कैच करना थोड़ा सा टफ है बट या इट्स अ फन ट्रिक दैट आई वांट टू कीप लर्निंग. आई जस्ट प्रैक्टिसिंग दिस स्मॉल लिटिल ट्रिक. मुझे एक छोटा सा आइडिया आया. मुझे लगा क्यों ना मैं ये चैनल पे एक सीरीज चालू करूँ जहाँ पे मैं इस तरह के कुछ रैंडम एक्टिविटीज़ है डिफरेंट स्किल्स सीखना, यू नो, स्टार्टिंग से व्लॉग करूँ और यू नो टिल आई गेट डिसेंट एट इट. स्मॉल स्मॉल थिंग, कॉइन फ्लिप्स, बैक फ्लिप्स, कुछ भी बैक फ्लिप नहीं करूँगा मैं, बट जस्ट रैंडम थिंग्स लाइक दिस. लेट मी नो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगता है. इट इज़ कम्प्लीटली ऑफ फ्रॉम फोटोग्राफी या व्लॉगिंग, कुछ नया है ऑल टुगेदर. बट एज यू गाइज नो आई लव डूइंग सच थिंग्स, मैजिक एंड यू नो दोज काइंड ऑफ थिंग्स. सो मे बी वी कुड मेक अ होल सीरीज आउट ऑफ इट. मॉम ने आज क्या फूड बनाया है, मतलब तन्वी हाउ इज द फूड? It looks amazing. Yeah, we are extremely big lovers of Maharashtrian food from Bengan, Batata, Thesa. What else is there? Everything. Chapati, Bhakri. If you're from Maharashtra, you might obviously know. Kya food bana hai, amma? Amma cooking YouTube video. God, mom ne kya lunch banaya tha aaj. But मज़ा आ गया खा के. बट इसी के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो ख़त्म होता है, छोटा सा व्लॉग. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और या हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो.